नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन समझ चुका है कि मोदी पर पर्सनल अटैक करने का वो भयंकर नुकसान उठाता आ रहा है और आगे भी उठाएगा, तो शायद अब टूटा हुआ बिखरा हुआ गठबंधन अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहता है और शायद कोशिशों में भी लगा है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि गठबंधन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना सकता है। जो गठबंधन खड़गे के नाम को पहले आगे करना चाहता था, वो शायद अब समझने लगा है कि देश मौजूदा वक्त में कांग्रेस को झेलने के लिए कतई तैयार नहीं है और शायद इसीलिए ही विपक्ष दलित कार्ड खेलकर मोदी को टक्कर देना चाहता है। लेकिन विपक्ष कोई भी चाल चले, उसकी कार्ड मोदी ने पहले ही निकाल रखी है। अब विपक्ष जो भी चाल चलेगा वो औंधे मुंह ही गिरेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि मायावती हो सकती हैं विपक्ष की प्रधानमंत्री कैंडिडेट। मायावती को मिल सकती है संजीवनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती उतरी थी तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन जब 2019 में वो सपा के साथ चुनावी मैदान में उतरी तो सपा को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मायावती ने लंबी छलांग लगाई और 10 सीटों पर वो पहुंच गई। ये मायावती के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था, लेकिन मायावती उसे बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि यूपी में मोदी योगी की लहर ही कुछ ऐसी है। लेकिन अब जब 2024 का चुनाव सर पर है और किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो मायावती चुप हैं। जहां पूरे विपक्ष में हलबली मची है, वहां मायावती शांत बैठी हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिस पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है वो इतनी खामोश कैसे है? तो इस खामोशी के पीछे एक कहानी है जो पर्दे के पीछे बुनी जा रही है, और वो कहानी बुन रहे हैं कांग्रेस और बसपा। खबरें ऐसी हैं कि अंदर खाने दोनों की बात चल रही है और कांग्रेस मायावती को पीएम पद के रूप में पेश कर सकती है। तो क्या मायावती अपने पत्ते तब खोलेंगी जब तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा? और अगर मायावती ऐसा करती हैं तो कहीं तब तक बहुत ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि मायावती के सांसद भागने लगे हैं, वोट बैंक भी करीब 10% तक घट चुका है। तो क्या मायावती अब चाहती हैं कि पार्टी को कोई संजीवनी मिल जाए? तो क्या पीएम का उम्मीदवार बनने से जीवनदान मिलेगा? तो इसका जवाब अगर ढूंढा जाए तो पता चलता है कि अगर मायावती को पीएम के कैंडिडेट के रूप में पेश किया जाता है तो टूट चुके कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है, 5 साल तक हाईलाइट में रहा जा सकता है, कोर वोटर साथ आ सकता है और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल दे ऐसा प्रचारित किया जा सकता है। इस बात को प्रचारित करना विपक्ष के लिए आसान होगा, क्योंकि बीएसपी सांसद मलूक नागर ने डिमांड रखी थी कि उन्हें आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए। नागर की इस बात को मायावती की पार्टी द्वारा विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की शर्त के रूप में देखा गया था। मलूक नागर की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मलूक नागर मायावती के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। नागर ने कहा था, अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते की बात नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्या ये दांव कामयाब होगा या फिर ऐसे ही हवा में गांठ मारने जैसा होगा, क्योंकि जब पिछले लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने यूपी में मिलकर चुनाव लड़ा था, उसमें जयंत चौधरी भी थे, राजभर थे और समाजवादी पार्टी और बसपा शामिल थी, तब भी कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान ये लोग नहीं रच पाए थे। लेकिन इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता, अगर मलूक नागर की बात को आधार मानकर गठबंधन उन्हें पीएम पद का दावेदार बना देता है तो फिर उनका जो छिटका हुआ कोर वोटर है वो एकजुट हो सकता है। तो ऐसे में फिर से ये पूछा जाएगा कि क्या इस कदम के बाद मोदी को हराना संभव हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। 24 में विपक्ष कुछ भी कर ले, जीत तो दर्ज नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी समझ लीजिए। मोदी को हराना विपक्ष के बूते की बात नहीं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं और पहले उत्तर प्रदेश से ही समझ लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 63 सीटें मिली थी और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 42% वोटों के साथ 255 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 111 और बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई थी। इस चुनाव में मायावती का वोट शेयर लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% घट गया था, मात्र एक सीट पर जीत नसीब हुई थी और यूपी में आज राजभर और जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ आ गए हैं। तो गठबंधन का मामला तो पहले ही कमजोर हो चुका है। अब यूपी से बाहर की अगर बात करें तो पंजाब में अकाली दल साथ आने के लिए तैयार बैठा है, ओडिशा से नवीन पटनायक के साथ डील फाइनल हो चुकी है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ
डील फाइनल हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का एक एक धड़ा जो बड़ा धड़ा है वो एनडीए के साथ शामिल हो चुका है। पिछले दो महीने में 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी सांसद, विधायक और तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अगर छोटे बड़े नेताओं की बात करें तो सैकड़ों कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हिमाचल में भी पार्टी टूट की कगार पर है, कभी भी खेला हो सकता है। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी की काट निकालना विपक्ष के बूते की बात नहीं है, क्योंकि दलित वोटों को एकजुट करने के लिए इससे पहले खड़गे के नाम को भी आगे करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन फिर हाथ पीछे खींचने पड़े थे। तो दूसरी तरफ मोदी ने इस बार जीत की उंकार नहीं भरी है, बल्कि 400 पार की उंकार भरी है, और 400 पार करने के लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव हार जीत से बहुत ऊपर जा चुका है। ये चुनाव है कि बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी इस चुनाव में। तो आपको क्या लगता है, क्या मायावती के नाम को आगे करके विपक्ष मोदी को हरा पाएगा, या फिर बीजेपी की या एनडीए की कुछ सीटें कम भर भी वो कर पाएगा, या फिर मायावती के नाम को आगे करने के बाद भी कोई फर्क इस चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।